आज हम वीडियो लेकर आए हैं ट्रांजिस्टर डायोड, जहाँ पे बनता है वो कंपनी, और वो कंपनी ने उस डायोड पर और ट्रांजिस्टर पर नंबरिंग करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा कंपनी का है और कौन देश ने बनाया है, इस पर आज वीडियो लेके आए हैं। तो हम खास करके देखेंगे तो यूरोप कंट्री में बनता है, जिसको हम प्रो इलेक्ट्रॉन्स नंबरिंग स्कीम बोलते हैं, और दूसरा यूएसए में बनता है, उसका नाम GETIC नंबरिंग स्कीम बोलते हैं, और तीसरा है जापान में बनता है, उसको हम GIS नंबरिंग स्कीम बोलते हैं, और चौथा मैन्युफैक्चरिंग जो अपना अपना सामान के लिए मात्र बनाता है, उसका कोड अपना सा अलग सा दिया जाता है। लेकिन खास करके हम तीन ठो देश में इसका मैन्युफैक्चर होता है, और हम कैसे जानेंगे कि यूरोप कंट्री का है कि यूएसए कंट्री का है कि जापान कंट्री का है, तो आगे देखिए। सबसे पहले यूरोप कंट्री में आप देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर जो यहाँ पर PC 546 दिया हुआ है, तो इसका हम फर्स्ट लेटर देखेंगे बी। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर दिया ए हुआ, तो ये जर्मेनियम सिलिकॉन से बना हुआ है। बी दिया है तो सिलिकॉन से बना हुआ है। सी दिया है तो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है। आर दिया है तो कंपाउंड मटेरियल से बना हुआ होता है। इसीलिए इसमें हम शुरू के कोड देखते हैं, बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। और दूसरा लेटर जो सी लिखा हुआ है, वहाँ पर यदि ए लिखा होता तो डायोड लो पावर और सिग्नल, बी डायोड भेजर कैपेसिटेंस, ऐसे हमारे सेकेंड लेटर कौन सा लिखा हुआ है उससे हमको था चलेगा कि ये डायोड है, ट्रांजिस्टर है, टनल डायोड है, कौन सा है वो था चलेगा। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो हम यूरोपियन यदि कोई ट्रांजिस्टर बना, तो यदि शुरू में बी लिखा है, शुरू के लेटर आपका कौन मटेरियल है इसको संकेत करते हैं। जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिलिकॉन, सेकेंड लेटर है सी, इसका मतलब है ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए ये ट्रांजिस्टर बना हुआ है और ये यूरोपियन ट्रांजिस्टर है। वैसे ही आप यूएसए के हम देखेंगे, फर्स्ट लेटर देखेंगे, जैसे पे यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो फर्स्ट में यदि फर्स्ट नंबर में यदि फर्स्ट लिखा हुआ होगा तो हम उसको डायोड बोलेंगे, सेकेंड होगा तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हुआ तो ड्यूल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे में हम एग्जांपल एक में लेते हैं, 1N लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब हुआ डायोड और N का मतलब हुआ आपका यूएसए में बना होता है, तो इसका संकेत सेकेंड लेटर N से होता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अपना अपना नंबर होता है। और सेकेंड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2N 2 2 2 2, तो सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, N का मतलब आपका यूएसए का एक कोड है। वैसे है थर्ड एग्जांपल में देखिए 3N 2 1 1 है, 3 का मतलब ड्यूल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये फील्ड ड्यूल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब होता है दो ठो गेट में आप यहाँ पे सिग्नल देना पड़ता है, इसलिए इसका नाम ड्यूल गेट है, इसमें 4 लेग्स होता है। तो अब हम चलते हैं जापानीज में, जापानीज और यूएसए अमेरिकन का फर्स्ट नंबर का कोड एक ही है, 1 2 3 सेम है, और इसमें जापानीज में आपको 2 3 लेटर्स कंबाइन होकर आता है, वहाँ पर आपका अमेरिकन में एन होता था, इसमें सेकेंड थर्ड कंबाइन होकर आता है। जैसे एस ए लिखा हुआ है तो हम इसको PNP हाई फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर के लिए लेते हैं, वैसे एस ए एस बी एस डी सी डी ई एफ जी एच ऐसे
SM ट्रैक ऐसे नंबर दिया होता है, जैसे एग्जांपल के लिए 2SB SS2 है, 2 है इसका मतलब बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यहाँ यदि N होता तो हमारा अमेरिकन हो जाता है, लेकिन यहाँ SB है, SB के मतलब PNP ऑडियो फ्रीक्वेंसी बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, इसीलिए SB है, इसका मतलब यहाँ जैपनीज कंपनी से ये बना हुआ है। ऐसे हम आपको तीन देश से बना हुआ होता है, ऐसे हम इजीली पता लगा सकते हैं। थैंक यू।